हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सकेवेशन एक्टिविटी के रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्क असेसमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या होता है, रिस्क मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है। रिस्क मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी जो रेटिंग होती है या फिर जो सेवरिटी रेटिंग होती है वो हम कैसे दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो वो समझने के लिए जो है आपको वो जो है वीडियो देखना होगा। तो उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में जो है एक्सकेवेशन एक्टिविटी का जो रिस्क असेसमेंट है वो हम यहां पर डायरेक्ट समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी का जो है हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, फिर उस एक्टिविटी का जो है हजार्ड्स क्या है, उसमें खतरे क्या हो सकते हैं, कौन से टाइप का हजार्ड्स है वो हमें यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद है कि उस हजार्ड की वजह से क्या कॉज हो सकता है या फिर इफेक्ट हो सकता है वो भी हमें यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद है कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेटिंग क्या है, मतलब ये जो कॉज है या फिर ये जो इफेक्ट है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है होने की वो हमें यहाँ पर रेटिंग के जरिए जो है वो बताना होता है। फिर उसके बाद है इसकी सेवरिटी रेटिंग, यानी कि अब इसका सेवरिटी रेट कितना है इस कॉज का या फिर इफेक्ट का, इसकी भी रेटिंग जो है हमें यहाँ पर लिखनी होती है। और फिर उसके बाद जो है कि ये जो हजार्ड है इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कौन सी हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पर हर एक एक्टिविटी का जो है रिस्क असेसमेंट यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सकेवेशन एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एक्सकेवेशन एक्टिविटी में कौन से टाइप का जो हजार्ड्स है वो यहां पर आएगा उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला हजार्ड है कि जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उसके साथ में जो है कांटेक्ट हो सकता है, ये यहाँ पर हजार्ड है। अब इसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, आइए जानते हैं। तो इसकी वजह से जो है जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है वो डैमेज हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। अब इसके लिए जो है हम प्रोबेबिलिटी जो रेटिंग है वो देते हैं यहाँ पर 2, और इसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो यहाँ पर लिखते हैं 5। अब ये जो प्रोबेबिलिटी जो रेटिंग हमने यहाँ पर 2 लिखी है, सेवरिटी रेटिंग हमने यहाँ पर 5 लिखी है, ये जानने के लिए जो है आपको वो जो वीडियो है वो देखना होगा, तभी जो है आप यहाँ पर इसको समझ पाओगे। अब जानते हैं इसके लिए जो है हम कौन सी जो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर ले सकते हैं इस रिस्क को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरे हजार्ड के बारे में। तो दूसरा हजार्ड है कि ओवरहेड जो भी लाइंस है उसके साथ में जो है कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सकेवेशन एक्टिविटी में हम ज्यादातर जो है एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सकेवेटर की जो बकेट है, जो बूम है, वो जो है वो ओवरहेड जो लाइन है उसके साथ में कॉन्टैक्ट आ सकता है। अब इसकी वजह से क्या कॉज होगा, इफेक्ट होगा, आइए जानते हैं। तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी ऑकर हो सकता है। अब इसके लिए जो है हम प्रोबेबिलिटी रेटिंग यहां पर देते हैं 2, और इसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो यहां पर देते हैं 5। और इसके लिए जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है हम ले सकते हैं वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि एक्सकेवेशन की जो साइड वॉल्स है वो यहाँ पर कोलैप्स भी हो सकती है। तो इसकी वजह से जो है वर्कर वहां पर ट्रैप हो सकता है या फिर क्रश या फिर बैडली जो है वो इंजरी भी यहाँ पर हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग देते हैं वो 2, और सेवरिटी रेटिंग देते हैं यहाँ पर 5। और इसके लिए जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स हम ले सकते हैं वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि एक्सकेवेशन के अंदर में जो भी वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है मटेरियल वहां पर गिर सकता है, वो भी यहां पर हजार्ड है। तो उसकी वजह से जो है वर्कर को यहां पर इंजरी हो सकती है जब वो मटेरियल अगर ऊपर से नीचे उनके ऊपर अगर बॉडी के ऊपर अगर हिट होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रेटिंग है ये यहां पर लिखते हैं हम 2, और इसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो है यहां पर लिखते हैं हम 3। और इसके लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल हम ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। फिर उसके बाद का हजार यहां पर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि एक्सकेवेशन में जो है आदमी या फिर जो व्हीकल है वो फाल भी हो सकती है। तो इसकी वजह से जो है जो लोग हैं वो वहां पर इंजोर हो सकते हैं और जो साइड वॉल है वो भी यहां पर कोलैप्स हो सकती है। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी रेटिंग यहां पर देते हैं 2, और इसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो हम यहां पर देते हैं 4। और इसके लिए जो हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी।
फिर उसके बाद का हैजार्ड है कि एक्सकैवेशन के वक्त जो है वहां पर हेवी जो एटम्स है उनकी जो है मूवमेंट वहां पर चलती रहती है, यानी कि जैसे कि एक्सकैवेटर वगैरह हो तो उसकी जो मूवमेंट है वो वहां पर चलती रहती है, तो उसकी वजह से जो है आदमी वहां पर स्ट्रक हो सकता है। तो इसका कॉज ये हो सकता है कि वहां पर जो है सीरियस इंजुरी हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग देते हैं 2 और इसकी जो सेवरिटी रेटिंग हम यहाँ पर देते हैं वो है 5। और इसके लिए जो हिराची ऑफ कंट्रोल हम यहाँ पर ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि एक्सकैवेशन करते वक्त जो ग्राउंड वाटर है उसका वहां पर इंट्रूशन हो सकता है, यानी कि उसकी जो है घुसपैठ वहां पर हो सकती है, तो उसकी वजह से जो है वहां की जो साइड वॉल है वो वहां पर कोलैप्स हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम यहां पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग देते हैं 2 और सेवरिटी रेटिंग जो है हम यहां पर देते हैं 5। और इसके लिए जो हम हिराची ऑफ कंट्रोल यहां पर ले सकते हैं वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि एक्सकैवेशन में जो है हमें इम्प्रॉपर एक्सेस या फिर इग्रेस का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इसकी वजह से जो है वर्कर वहां पर फाल भी हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम यहां पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग जो है वो देते हैं 2 और इसके लिए जो सेवरिटी रेटिंग देते हैं वो है 4। तो इसके लिए जो है हम हिराची ऑफ कंट्रोल यहां पर ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि एक्सकैवेशन के वक्त जो है हमें हार्मफुल जो गैसेस है या फिर फ्यूम्स है उसका भी सामना करना पड़ सकता है, ये भी हजार्ड जो है उसमें हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है आइडियल जो कंडीशंस है वो वहां पर ऑकर हो सकती है, यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग देते हैं 2 और सेवरिटी जो रेटिंग है वो यहाँ पर देते हैं 5। और इसके लिए जो हिराची ऑफ कंट्रोल हम यहाँ पर ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। और फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है कि जो पब्लिक है वहां पर उनका भी जो है एक्सीडेंट हो सकता है एक्सकैवेशन के वक्त, और इसकी वजह से जो है पब्लिक को सीरियस इंजुरी जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रेटिंग देते हैं 2 और सेवरिटी जो रेटिंग है वो हम यहाँ पर देते हैं 5। और इसके लिए भी जो हिराची ऑफ कंट्रोल हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इस प्रकार जो है हम एक्सकैवेशन एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एक्सकैवेशन एक्टिविटी के रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।